मैं प्रमोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं शिक्षक चौपाल। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के निर्णय के आलोक में 18 जुलाई को विधानसभा घेराव हेतु नियोजित शिक्षकों द्वारा गर्दनीबाग पटना में विशाल धरना का आयोजन रखा गया है, जिसको सफल बनाने के लिए प्रत्येक शिक्षक संघ हुंकार भर रहे हैं। समान काम समान वेतन सहित कई मुद्दे को लेकर के हम सभी जानते हैं कि 10 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने समान काम समान वेतन मामले में बिहार सरकार के पक्ष में फैसला दी थी, तब से शिक्षक काफ़ी आहत हैं। आइए इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए मुख्य शिक्षकर्ता उपेंद्र राय जी ने आम शिक्षकों के लिए अपील किए हैं। उन्होंने नैतिक समर्थन करने वाले लोगों से भी कहे हैं कि नैतिक समर्थन के साथ साथ सक्रिय समर्थन प्रदान करें। सुनते हैं मुख्य शिक्षकर्ता उपेंद्र राय जी का अपील। बिहार के समस्त नियोजित शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि न्यायिक नियोजन उन्मूलन का न्यायिक महासंघर्ष, समान काम के लिए समान वेतन का न्यायिक महासंघर्ष 10 मई 2019 को हम लोग माननीय उच्चतम न्यायालय में हार चुके हैं, ये सर्वविदित। लेकिन साथियों, मैं इस संदर्भ में बता दूं कि वर्तमान परिस्थिति में हम हार चुके हैं, लेकिन ये हमारी अंतिम लड़ाई नहीं है। और इसमें न्यायिक महासंघर्ष में जो रेस्ट ऑफ स्ट्रगल है, उसके लिए आगे प्रयास जारी है। रिव्यू पटिशन फाइल किया गया है, उसके आगे का जो पॉइंट है उसमें भी काफ़ी सख्ती के साथ, इन्फोर्समेंट के साथ प्रयास किया जाएगा। लेकिन साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि संघर्ष का सिर्फ एक रास्ता नहीं है, न्यायिक संघर्ष एक रास्ता है, उसके साथ ही साथ आंदोलन भी एक सशक्त रास्ता है। और अभी तक अधिकांशतः जो फायदा नियोजित शिक्षकों को मिला है, आपको आंदोलन से, सड़क की लड़ाई से मिला है, इसी लड़ाई का ये भी एक पार्ट। लेकिन आपको आंदोलन से जो हम हासिल नहीं कर सकते हैं, उसे न्यायिक संघर्ष में हम चाहते थे अचीव करना। और न्यायिक संघर्ष क्या होता है कि न्यायिक संघर्ष में हम पूरी व्यवस्था परिवर्तित कर सकते थे और उसके कगार पर पहुंच चुके थे। पटना हाई कोर्ट हमें पूरी तरह से वो सर्टिफिकेट दे चुका था, लेकिन दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट में हम उससे पिछड़ गए। लेकिन अभी भी उसको, उस हार को जीत में बदलने का प्रयास जारी है। हमारे साथ अन्य लोग भी लगे हुए हैं और हम लोग का प्रयास है कि जो वो हार है उसको जीत में बदल दिया जाए। उसके लिए जो हो सकता है किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ, जैसा कि आपको मालूम है कि अगला साल 2020 बिहार में इलेक्शन ईयर है, और इलेक्शन ईयर का भी हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और वो फ़ायदा न्यायिक संघर्ष से नहीं, बल्कि आपको सड़क के आंदोलन से हासिल किया जा सकता है। और वहाँ 10 मई के बाद जो गर्मी की छुट्टी में हुई, उस समय हमने भी संदेश दिया था, बहुत सारे लोगों ने संदेश दिया, और उसके परिणाम स्वरूप सर्वसंघीय बैठक की रूपरेखा तैयार हुई। कई स्तर के संघर्ष में आपको सर्वसंघीय बैठक हुई। उसके बाद, जैसा कि आप सबको मालूम है कि एक छोटा मोटा आपको बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति बनाई गई, और उसका अनाउंसमेंट है कि 18 जुलाई को आपको विधानसभा का घेराव किया जाए। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये अनाउंसमेंट किसका है, इसमें कौन से लोग हैं, ये मुद्दा नहीं है। ये आप समझिए, ये नियोजितों की पुकार है। सुप्रीम कोर्ट में नियोजित जो हारे हैं, उसी का जो असंतोष है, उसकी ये पुकार है। यदि आप नियोजित हैं, आपको नियोजन खटकता है, तो निश्चित रूप से आपको पटना के गर्दनी बाग में पहुँचना चाहिए। मेरी अपील है कि यदि आप नियोजित हैं, आपको नियोजन खटकता है, तो आप खुद देखिए, अपने आसपास देखिए। आप विद्यालय बंद करके आ सकते हैं या सीए लेकर आ सकते हैं, लेकिन आप किसके निर्देशन में जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है। आपको पहुंचना है, और इस तरह से पहुंचना है कि बिहार सरकार हिल जाए। बिहार सरकार को 18 जुलाई को हिला देना है, इस संकल्प के साथ, तब जाकर आप इलेक्शन ईयर में कुछ हासिल कर सकते हैं। साथियों, मैं बता दूं, कुछ हासिल करने के लिए त्याग की आवश्यकता पड़ती है, चाहे आप न्यायिक संघर्ष में हो या सड़क के आंदोलन में। तो हमें यदि कुछ हासिल करना है, नियोजन के विरुद्ध कुछ हासिल करना है, तो निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। इसलिए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति एवं बिहार शिक्षक संघर्ष समिति के वे सभी साथी जो हमें न्यायिक संघर्ष में कोऑपरेट किए थे, या अन्य संगठनों के साथी जो कोऑपरेट किए थे, या अन्य शिक्षक संगठन के जो साथी हैं, प्रतिनिधि हैं, नेतृत्वकर्ता हैं, उन सब से मेरी अपील है कि 18 जुलाई का जो आंदोलन हो, सफल हो, और सभी नियोजित, चाहे वो पंचायत में हो, प्रखंड में हो, अनुमंडल में हो, जिला में हो, अपनी भागीदारी सुनिश्चित, यदि संभव हो तो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो कर सकते हैं वो करें, ताकि आंदोलन सफल हो। चूँकि
हार सुप्रीम कोर्ट में हार के बाद ये पहला पॉइंट है, पहला कदम है। और जैसा आप जानते हैं वेल बिगन इज हाफ डन, अच्छी शुरुआत सफलता की निशानी मानी जाती है और इस आंदोलन की ये पहली सीढ़ी है, इसलिए इसको सफल बनाने के लिए हम सबको सम्मिलित प्रयास करना चाहिए। साथियों मैं बता दूं कि मैं अपने स्तर से लगा हुआ हूं, जो कर सकता हूं कर रहा हूं और आप लोगों से भी अपील है कि आप जो कर सकते हैं सो करें। और इसके साथ ही साथ वैसे लोग जो इस न्यायिक संघर्ष को नैतिक समर्थन देने की अपील कर रहे हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप नैतिक समर्थन नहीं बल्कि सक्रिय समर्थन की बात करें। नैतिक समर्थन से हम कुछ हासिल नहीं कर सकते और आज 12-13 साल से 12th और 13th ईयर से हम पीड़ित हो रहे हैं, हम देख रहे हैं सभी नियोजित जो 2006-07 के नियोजित हैं या जो शिक्षा मित्र हैं वो पूरी तरह से भुक्तभोगी हैं, वो देख रहे हैं। इसलिए नैतिक समर्थन से यहाँ कुछ नहीं हासिल होने वाला है, हमें सक्रिय समर्थन देना होगा। और मैं उपेंद्र राय माध्यमिक शिक्षा संयोजक माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति बिहार शिक्षक संघर्ष समिति अपने तरफ से अपील करता हूँ कि बिहार के सभी नियोजित शिक्षक प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी सभी सक्रिय भागीदारी दें और इसी में नहीं आगे जो भी कार्यक्रम होता है उसमें सक्रिय भागीदारी दें ताकि इस नियोजन को हम लोग जड़ से उखाड़ फेंकें। धन्यवाद।